वेस्टइंडीज और अमेरिका में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का बल्ला बतौर ओपनर अब तक खामोश रहा है। सबसे पहले वे आयरलैंड के खिलाफ 5 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ भी किंग कोहली मात्र 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ऐसे में अब विराट अपना फॉर्म हासिल करने के लिए धार्मिक हो गए हैं। इसके लिए उन्होंने न्यूयॉर्क में एक सत्संग अटेंड किया है। यहां वे अकेले नहीं गए बल्कि उनके साथ क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर भी मौजूद थे। दोनों ही महान खिलाड़ियों की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। न्यूयॉर्क में आयोजित इस सत्संग में फैंस को विराट और सचिन की तस्वीर को एक साथ कैप्चर करने का मौका मिला। वहीं ये तस्वीर फेमस भारतीय खेल पत्रकार और होस्ट विक्रम सथाई द्वारा शेयर की गई है। हालांकि ये ऐसा पहला मौका नहीं है जब विराट कोहली ने ऐसा कोई इवेंट अटेंड किया हो। इससे पहले साल 2021 में उन्होंने इंग्लैंड में भी अपनी बीवी के साथ एक कीर्तन अटेंड किया था। यहां फैंस के लिए खुशी की बात ये है कि जब किंग कोहली धार्मिक अवतार अपनाते हैं तब उनका बल्ला जमकर आग उगलने लगता है। और T20 वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए भारत के लिए विराट का फॉर्म में लौटना बेहद जरूरी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2022 में विराट अपनी बीवी के साथ कैची धाम गए थे, जिसके बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 3 साल के शतकों का सूखा खत्म किया था। इसके अलावा वनडे क्रिकेट में भी उन्होंने श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ शतक जड़े। उसके बाद तो किंग कोहली ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार जबरदस्त परफॉर्म करते रहे। वर्ल्ड कप 2023 में उन्होंने वनडे में 50 शतक पूरे किए। इसके अलावा उस मेगा टूर्नामेंट में वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी रहे। यहां तक कि IPL 2024 में भी विराट ने ऑरेंज कैप का खिताब जीता। ऐसे में फैंस को उम्मीद है कि सत्संग अटेंड करने के बाद विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप में एक बार फिर से गरजेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये खबर पसंद आई तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें लगातार प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।